नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आज दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। जैसे ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें आग लग गई। इस दौरान कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त कार के पास से गुजरती चली गई। कुछ लोग वीडियो बनाकर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी मसीहा थे जो वहाँ से गुजर रहे थे और पंत को कार से निकाल कर उन्हें अस्पताल में पहुँचाया। आमतौर पर दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह की दुर्घटना में दुर्घटना स्थल पर लोग रुकते तक नहीं हैं, लेकिन ऋषभ की कार की दुर्घटना होने के बाद वहां से गुजर रहे लोग ना केवल रुके बल्कि उन्हें कंबल ओढ़ते भी दिखे। ये लोग रोड के मसीहा थे। जिस तरह पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और उस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने जिस तत्परता से उन्हें जलती कार से निकाला, वो सलाम के काबिल है। सुबह के वक्त हुई इस घटना में ऋषभ की कार में जबरदस्त आग लग गई थी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग पंत को उठाते हुए और उन्हें कंबल देते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पंत के मुंह और नाक से खून भी बहता दिख रहा है। लोग उन्हें कंबल से लपेट रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली NCR के लोग ऐसी दुर्घटना के बाद कार नहीं रोकते, यहाँ तक कि घंटों लोग घायल रोड पर ही पड़े रहते हैं, लेकिन पंत को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े, उन्हें उठाया और नज़दीक के अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें पंत को लोग घेरे हुए हैं, उनसे हाल पूछ रहे हैं। उसके बाद उन्हें कंबल के साथ साथ मफलर भी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली NCR में काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो लोगों ने ऐसे में पंत को ठंड से भी बचाया। लोगों ने जिस तरीके से इस घटना में तत्परता दिखाई, वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों को ही धरती का मसीहा कहा जाता है। इन लोगों के काम से एक बार फिर से ये भरोसा जगा है कि ऐसी दुर्घटनाओं में मानवता मदद करती है। दिल्ली जैसे शहरों में तो दुर्घटना होने के बाद लोग वीडियो बनाते रहते हैं। कई बार तो लोग एम्बुलेंस और पुलिस को तो फ़ोन तक नहीं करते हैं। इस तरह की दुर्घटना में घायल शख्स को तुरंत अस्पताल पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घायल शख्स जितना जल्दी अस्पताल पहुंचता है, उतनी उसकी जान बचने के चांसेस होते हैं। 2022 की जनवरी में कनाट प्लेस में वैशाली के रहने वाले शख्स विजय सिंह घायल हो गए थे। उनकी बाइक दूर तक घसीटती चली गई थी। वह देर तक रोड पर पड़े रहे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। बाद में किसी तरह वो खुद अस्पताल पहुँचे थे। दिल्ली NCR में कई ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं जहाँ घायल लोगों को अगर समय पर मदद मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन लोग या तो वीडियो बनाने में मशगूल रहते हैं या फिर वहाँ से गुजर जाते हैं। गौरतलब है कि ऋषभ पंत बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद देश लौटे थे। वो नए साल पर अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के लिए देहरादून जा रहे थे, तभी तड़के 5 बजे के करीब उनकी गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर होते ही उनकी कार में ज़बरदस्त आग लग गई। इस दौरान पंत वहां से गुजर रहे लोगों की मदद के ज़रिए कार से निकल पाए। ऋषभ पंत इस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। अभी उनका देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने ट्विटर पर पंत को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी की है। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।